Now our today's topic is lesson industrialization. First of all, in this chapter you can see two pics. I'm going to show you a pic. First pic is of dawn of century. You can see here, इसमें से one mark questions बने हैं, that's why I'm showing you this pic, dawn of century. It was published by T.T. Paul. You have to learn the name T.T. Paul in one more question. T.T. Paul in 1900. Dawn of Century published by T.T. Paul in 1900. अब ये जो picture है, ठीक है? In this picture, a goddess like figure. ये goddess like figure. The angel of progress, goddess like figure, क्या represent कर रही है? Angel of progress. हाथ में क्या? Bearing flag, bearing flag. अब वो जो flag है ना, वो represent कर रहा है new century. इसमें ये जो dawn of century है, इसके center में ये देखो ये goddess like figure है. Angel of progress, bearing flag. और जो फ्लैग है वो क्या कर शो कर रहा है? फ्लैग इज रिप्रेजेंटिंग मॉडर्न न्यू सेंचुरी अब व्हील्स विद विंग्स व्हील विद विंग्स रिप्रेजेंटिंग टाइम व्हील विद विंग्स रिप्रेजेंटिंग टाइम सो यू हैव टू लर्न वन मोर क्वेश्चन स्टेप जस्ट फ्रॉम दिस ये फ्लैग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये एंजल ऑफ प्रोग्रेस जो फ्लैग लेके खड़ी है फ्लैग इसके हाथ में क्या शो कर रहा है तो वन मोर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड नेक्स्ट यू कैन सी अ पिक ऑफ टू मैजिशियंस ऑन द नेक्स्ट पेज अब वो टू मैजिशियंस कौन है फर्स्ट एट द टॉप इज अलादीन एट टॉप ठीक है अलादीन फ्रॉम ओरिएंट अब ओरिएंट के अलादीन फ्रॉम ओरिएंट ओरिएंट पे वन मोर क्वेश्चन कंट्रीज टू द कंट्रीज ओरिएंट का मीनिंग भी आप लिख सकते हो कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी रेफरिंग एशिया कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन रेफरिंग एशिया कौन सा कॉन्टिनेंट है एशिया तो अलादीन एट द टॉप फ्रॉम ओरिएंट टू बेट A beautiful palace with his magical lamp. उसने beautiful palace बनाया with his magical lamp. And the second जो magician है, ये second जो, ये जो magician है, with his tools, he built roads, bridges, buildings, etc. तो Aladdin representing past and ईस्ट अलादीन किसको रिप्रेजेंट कर रहे पास्ट एंड ईस्ट हियर एज मॉडर्न मैकेनिक जो है ना मॉडर्न मैकेनिक रिप्रेजेंटिंग मॉडर्निटी एंड वेस्ट अलादीन इज रिप्रेजेंटिंग अलादीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट एंड ईस्ट कितना याद रखना जो भी डेवलपमेंट हुई वो वेस्ट से हुई मीन्स मॉडर्निटी वेस्ट वाली साइड ऑफ पास्ट के साथ ईस्ट क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड से हुई है स्टार्ट यू नो इट वेरी वेरी यूरोपियन कंट्रीज फर्स्ट कंट्री जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई दैट वाज इंग्लैंड तो आपको इतना तो पता चलेगा कि वेस्ट मॉडर्निटी में आना ठीक है अलादीन जो है वो कहाँ से है फ्रॉम ओरिएंट ओरिएंट सब पता चलेगा ओरिएंट का मीनिंग कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी रेफरिंग एशिया तो अलादीन ने क्या बनाया ब्यूटीफुल पैलेस विद हिज मैजिकल लैम्प मॉडर्न मैकेनिक ने क्या बनाया विद हिज टूल्स ही बिल्ट रोड्स ब्रिजेस उसने अपने टूल से बनाया
अलादीन रिप्रेजेंटिंग पास टेन, बोलो विच डायरेक्शन, पास टेन ईस्ट, वेरी गुड, ये याद रखना बस। एंड मॉडर्न मैकेनिक रिप्रेजेंटिंग वेस्ट एंड मॉडर्निटी, तो इतना पता चला। नेक्स्ट आप आ जाओ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो मीन्स प्री, प्रोटो का मतलब होता है प्री, पीरियड बिफोर द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? पीरियड बिफोर द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब व्हाई मर्चेंट्स मूव टुवर्ड्स कंट्री साइड? मर्चेंट्स कंट्री साइड क्यों जाते हैं? इन टाउन्स देयर वर ट्रेड गिल्ड्स एंड दीज गिल्ड्स did not allow merchants to trade in towns, so merchants had to move towards countryside. अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला guilds, trade guilds. What's the meaning of guilds? Right, association of traders. Guilds means association of traders. ये सब वर्ण का क्वेश्चन बनता नहीं है। Guild means association of traders. So merchants moved towards countryside because in towns there were trade guilds and jo trade guilds hoti thi na, they did not allow merchants to trade in towns, so that's why merchants had to move towards countryside. Wo countryside chale gaye and merchants lived in towns but goods were produced in countryside. People of countryside were very poor, that's why they accepted the offers made by merchants. They got two kinds of jobs. Their economic condition got improved because they now they could produce goods for merchants and they could grow crops for themselves. So people of towns accepted the offers made by merchants. Merchants moved towards countryside because there were trade guilds in the towns and trade guilds ne merchants ko allow hi nahi kiya to trade in towns. So merchants had to move towards countryside. Countryside pata, village areas. Next, ab merchants had to cover four stages. Me four stages cover karni hoti thi. First of all, merchants jaate the stapler ke paas. Stapler ka meaning puch lena. What do you mean by stapler? A person who staple or sorts wool according to its fiber. Person who staple wool according to its fiber. First of all, merchants किसके पास जाते थे? Stapler. Then spinner. फिर किसके पास जाते थे? Spinner. Who spin the yarn? Merchants firstly किसके पास जाते थे? Stapler. Stapler means who staple the wool according to the fiber. Then spinner, who spin the thread. Then fuller, a person who gather cloth by pleating. Fuller ke paas jaate the. Fuller. A person, aapko fuller ka meaning pooch lena, person who gather cloth by pleating. Person who gather cloth by pleating. फर्स्टली मर्चेंट कहाँ जाते थे? स्टेपलर, देन स्पिनर, देन पुलर एंड देन टू डायर। तब उनका क्लोथ इंटरनेशनल मार्केट में जाता था आफ्टर कवरिंग दीज फोर स्टेजेस। पुलर टू गैदर क्लोथ बाय प्लीटिंग, टू गैदर क्लोथ बाय प्लीटिंग। फर्स्टली मैंने बोला है स्टेपलर हु स्टेपल और सोर्स वूल according to its fiber, spinner who spin thread, then किसके पास जाते थे? puller, puller, spinner के बाद puller who gather cloth by pleating, then dyer, dyer के पास जाते थे, then their cloth came to an international market, तब उनका cloth international market में जाता था। so these four stages were covered by merchants and at each stage हर स्टेज पे उनके पास 20 to 25 वर्कर्स वर्क अंडर दैट।
at East Age 20 to 25 workers worked under merchants. हर स्टेज पे उनके पास 20 या 25 के आप कह सकते हो बिटवीन वर्कर्स वर्क अंडर मर्चेंट्स. इट मींस मर्चेंट्स के पास होगा होम नियर अबाउट 80 to 100 वर्कर्स वर्क अंडर द 80 to 100. अब अपने करियो ना फोर स्टेजेस दे कवर्ड एंड ई स्टेज दे हैड 20 to 25 वर्कर्स. इट मीन्स टोटल उनके पास कितने होते थे आपको एम्प्लॉइज नियर अबाउट 80 to 100. 80 to 100 वर्कर्स वर्क अंडर मर्चेंट्स ऑन द होल बिकॉज मर्चेंट्स कवर्ड हाउ मेनी स्टेजेस फोर स्टेजेस. तो लर्न दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द रॉक सेंचुरी टू मैजिशियंस वन मार्क क्वेश्चन आता नहीं है. और हु पब्लिश्ड द रॉक सेंचुरी इसका पूछ सकते हैं. टू मैजिशियन अलादीन ओरिएंट मींस ओरिएंट का मीनिंग पूछा जा सकता है. ठीक है कंट्रीज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन रेफरेंस एशिया. ठीक है ऐसे वाले पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इसमें से ही अलादीन का पूछ सकते हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. पास्ट एंड ईस्ट एंड मॉडर्न मैकेनिक वेस्ट एंड मॉडर्निटी. वेस्ट एंड मॉडर्निटी तो इस वजह से मर्चेंट्स कवर्ड. व्हाट डू मीन बाय प्रोटो. प्रोटो मींस प्री पीरियड बिफोर द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. फिर आपको आ सकता फोर स्टेजेस कवर्ड बाय मर्चेंट्स. तो व्हिच वर द फोर स्टेजेस. फर्स्टली इसके बाद आते हैं स्टेपलर स्पिनर पुलर टायर. आपको सबका बताना चाहिए. देन एट ई स्टेज मर्चेंट्स के पास कितने कहोगे वर्कर्स होते थे 20 to 25. ऑन द होल उनके पास कितने होते थे 80 to 100. सो दिस इज अबाउट द फोर स्टेजेस ऑफ मर्चेंट्स. नेक्स्ट इज कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री सिस्टम. अब इसमें आपने बताना है फैक्ट्रीज जो फैक्ट्री सिस्टम है ना फर्स्ट कहाँ पे आया. इंग्लैंड. अर्लीस्ट फैक्ट्रीज केम अप इन इंग्लैंड इन 1730. अर्लीस्ट फैक्ट्रीज कहाँ पे आई इंग्लैंड में. अर्लीस्ट फैक्ट्रीज कहाँ पे आई इंग्लैंड कब आई 1730. ठीक अब नेक्स्ट मैं 30 प्लस करूंगी देखना. इन 1760 ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन टू फीड इट्स इंडस्ट्रीज. कितनी 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन टू फीड इट्स इंडस्ट्रीज. इन विच ईयर ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन. 1760 इन विच ईयर ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग पूजा कितनी इन 1760 how much cotton was imported by Britain. 2.6 million pound raw cotton was imported by Britain in which year 1760. first factories to be set up in England in which year 1730. 1760 mein Britain kitni cotton import karta tha 2.5 million pound raw cotton was imported by Britain. is it clear. 30 plus kar lo 1730 plus 30 60 ab Britain mein aayegi and by 1787 वही इंपोर्ट जो 2.5 मिलियन था ना वो पहुंच गया 22 मिलियन. मींस इसकी डिमांड बढ़ गई रॉ कॉटन की. ऐसा क्या हुआ कि रॉ कॉटन की डिमांड बढ़ी. विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन एंड नाउ ब्रिटेन नीडेड रॉ कॉटन टू फीड इट्स इंडस्ट्रीज. सो दैट्स व्हाई डिमांड ऑफ रॉ कॉटन इन ब्रिटेन इंक्रीज्ड एंड इंडिया वाज अ कॉलोनी. ब्रिटेन कहां से कॉटन लेके जाता था इंडिया. अमेरिका भी सप्लाई देता था. बाद में अमेरिका से सप्लाई बंद हुई थी बिकॉज देयर वाज सिविल वॉर इन अमेरिका. तो अमेरिका से जब कॉटन की सप्लाई डिसरप्ट हुई तो ब्रिटेन टोटली डिपेंडेंट अपॉन इंडिया एज इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. तो इंडिया में से उन्होंने फोर्स करके भी जितने दिवस से कॉटन जो थी वो सब अपनी कंट्री लेके फाइनल वेराइटी ऑफ कॉटन जितनी भी इंडिया में होती थी वो कहाँ चली जाती थी ब्रिटेन. ठीक है जो कॉटन पहले 2.5 मिलियन पाउंड का व्यापार होता था वो कितना हो गया 22 मिलियन पाउंड कॉटन जो है अब ब्रिटेन चालीस रोबी इन 1787.
रीजन बिहाइंड दैट वाज द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज आ चुकी थी। ठीक है, अब रिचर्ड ऑकराइट, नेम ऑफ द पर्सन यू हैव टू राइट, रिचर्ड ऑकराइट सेट अप द पोस्ट मॉडर्न रिचर्ड ऑकराइट ब्रिटेन में फैक्ट्रीज कब आई इंग्लैंड में 1730 1760 में हाउ मच पाउंड रॉ कॉटन वाज इंपोर्टेड बाय ब्रिटेन 2.5 मिलियन एंड इन 1787 दिस रीच्ड टू 22 मिलियन पाउंड and first factory to be set up, first mill, cotton mill to be set up in Britain, इसने set up की Richard Arkwright, Richard Arkwright set up the first cotton mill in Britain, नहीं ऐसे, अगली century चल रही है, अब with the coming of this mill, no, there was no need to merchants to move from one place to another, earlier merchants covered four stages, but with the coming of the mill that was introduced by Richard Arkwright. There was no need to move from one place to another because whole work was done under one roof. Sara kaam ke chhat ke niche hona shuru ho gaya. Ab merchants ko idhar se udhar jaane ki zarurat nahi thi. Kyunki sara kaam ek mill mein hi hota tha. Theek hai, dyeing wahi pe hoti thi, kab cloth ko dye wahi kiya jata tha. Theek hai, wahi pe spinning hoti thi. वहीं पे स्पिनिंग और पुलर का काम भी वहीं पे होता था, होल वर्क डन अंडर द वन रूफ, सो देयर वाज नो नीड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पहले मर्चेंट्स जाते थे, अब उनको जरूरत नहीं थी बिकॉज इंग्लैंड में फैक्ट्री फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप हो चुकी थी। हु सेट अप द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंग्लैंड, रिचर्ड ऑकराइट। अब इसके बाद आपको याद रखना है फर्स्ट फर्स्ट इंडस्ट्री टू बी सेटअप इन ब्रिटेन दैट वाज कॉटन टेक्सटाइल। वन मार्क क्वेश्चन, फर्स्ट इंडस्ट्री टू बी सेटअप इन ब्रिटेन वाज कॉटन टेक्सटाइल एंड इट वाज फॉलोड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। फर्स्ट इंडस्ट्री टू बी सेटअप इन ब्रिटेन वाज कॉटन टेक्सटाइल एंड इट वाज फॉलोड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे आयरन एंड स्टील की डिमांड बढ़ी। With the expansion of railway, iron and steel industry set up hui. First industry to be set up in Britain was cotton textile. And second number pe aap kisko kahoge? Iron and steel. Iske aane se expansion of railways. Ab Britain ne kya kiya? 1840 mein aap keh sakte ho iron and steel industry aayi. Iron and steel in 1840. In 1873, Britain was exporting. So, cotton वो import करता था, iron and steel वो export करता था। ठीक है? In 1873, Britain was exporting. अब वो export कर रहा है किसको? Iron and steel. Iron and steel worth about 77 million pound, double than the value of its cotton export. कितने million pound? 77 million pound iron and steel, double than the value of cotton export. Is it clear? Britain is first industries to be set up in Britain, cotton textile. It was followed by iron and steel. Iron and steel industry came with the expansion of railways. In 1740, Britain was exporting 77 million pound iron and steel. It was double than the value of its cotton export. Is it clear? Double than 77 million pound iron and steel in 1874. मैंने iron and steel का year क्या बोला? Iron and steel 1840 ना? तो आप याद रखो 1873 में ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग 77 मिलियन पाउंड आयरन एंड स्टील। कितना एक्सपोर्ट करता था आयरन एंड स्टील?
77 मिलियन पाउंड। अब अगर मैं पूछूं ब्रिटेन वाज उसकी फर्स्ट इंडस्ट्री सेटअप हुई, तो ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग अर्लियर, ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग इन 1760 हाउ मच परसेंट रॉ कॉटन, 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन, एंड यही डिमांड बाद में कितनी हो गई, 22 मिलियन पाउंड। अब मैं आपको कह रही हूँ 1840 में क्या आई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इसमें हमने किया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आने से 1873 में ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग 77 मिलियन पाउंड आयरन एंड स्टील, डबल देन द वैल्यू ऑफ इट कॉटन एक्सपोर्ट, कितना आ गया। नेक्स्ट, ओनली न्यू इंडस्ट्रीज सेट अप बट ओनली 20% पीपल वर्क्ड इन द न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, rest of the people still work in domestic units, means 20% log badi badi industries mein work karte the and only 80% people work in domestic, 80% people still work in domestic units because people had no knowledge about new technology, they didn't know how to use these machines and these machines were not expensive or not so effective as the mentors told. New technology bahut expensive thi and saath mein while doing work when these machines got damaged their repair was very costly. To ye sab kuch tha, so that's why abhi bhi 80% log jo the they were still doing work in domestic units, only 20% people worked in new industrial units, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी की अभी नॉलेज नहीं थी लोगों को, उन्हें मशीन्स चलानी नहीं आती थी, मशीन्स वर नो सो इफेक्टिव एज देयर मेंटर्स टोल्ड, इतनी इफेक्टिव नहीं थी जितना उनके मेंटर्स बताते थे, रिपेयर कॉस्टली थी। तो ये सब कुछ था, न्यू टेक्नोलॉजी अगर आई तो बहुत स्लो आई, वैसे भी इन दोज डेज देयर वाज डिमांड ऑफ हैंडमेड गुड्स, हैंडमेड गुड्स की डिमांड थी। Rich people in England preferred handmade goods. Aristocrats in England preferred handmade goods. So there was demand of handmade goods. Handmade goods की demand ज़्यादा थी. So that's why. आप अपने आप सोचो, अगर हैंड जिस चीज की demand होगी producers वही बनवाएंगे ना. Market में अगर demand ही handmade goods की है तो producers preferred workers, not machines. उन्होंने machines को prefer ही नहीं किया. उन्होंने किसको prefer किया? Workers. मशीन्स की तो ऑक्सीजन में भी केयर करनी पड़ती थी, जबकि वर्कर्स को उठा के काम से बाहर फेंक देते थे ऑक्सीजन, क्योंकि सब इंडस्ट्रीज में वो इन सम इंडस्ट्रीज वर्क वाज सीजनल, जैसे वूल इंडस्ट्री या वर्क वाज सीजनल, जब काम ही नहीं हो रहा इंडस्ट्री में तो वर्कर्स को थोड़ा रखेंगे, उनको काम से निकाल देते थे, मशीन्स की तो केयर करनी पड़ती थी। तो दैट्स व्हाई प्रोड्यूसर्स प्रेफर वर्कर्स देन मशीन्स, वैसे भी इंग्लैंड के लोग प्रेफर करते थे हैंडमेड गुड्स बिकॉज ऑफ बेटर फिनिशिंग टच एंड आप कह सकते हो डिफरेंट डिजाइनिंग, हैंडमेड में डिफरेंट डिजाइनिंग होती थी, वेयर एज इन मशीन मेड देयर वाज नो डिफरेंट डिजाइनिंग, दे वर ऑफ सेम काइंड। तो ये सारा हम अभी कल दोबारा करेंगे, ठीक है।